कुछ लोग इनको पहचानते हैं, कुछ नहीं जानते, तो जो नहीं जानते उनको बता दें कि कशीदाकारी है, पाकिस्तानी ये कला है, जिसे सिंध कला भी कह सकते हैं और पहले इसे भरत भी कहा जाता था। देखिए किस तरीके से धागे को पिरो पिरो कर एक बहुत ही खूबसूरत कलाकृति का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ और भी आर्टिकल्स है आप देख सकते हैं जो तैयार है और कुछ है जो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। तो चलिए अब पद्माराम जी से जुड़ते हैं, जिनसे सबसे पहले हम जब यहाँ पहुंचे थे मुलाकात हुई थी, जिनसे हमारी बात हुई थी। अच्छा, अभी पहले कपड़े के ऊपर एक कपड़ा जोड़ के लगाया जा रहा है, इसको भी आप ही लोग काटते हैं? ये खारक में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ये पूरा भरा जाता है। ये खारक सबसे पुरानी चीज़ है, खारक और संधि कढ़ाई और उड़मजी और तंत भरत और पक्का अमरूद, ये सबसे। सोनारी धरती अठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान। ये कहावत राजस्थान के लिए यूं ही नहीं बनी है, आप जरा यहाँ पर आइए, यहाँ के रंगों को पहचानिए, यहाँ के लोगों से मिलिए, आपको जिंदगी का हर रंग यहाँ मिलेगा। और साथ ही आज जब हम सीमावर्ती जिले बाड़मेर में हैं, तो यहाँ पर आपको कला का ऐसा बेताज आपको नमूना नजर आएगा जो आपकी आंखों में भी कई रंग भर देगा। और साथ ही ये वो रंग है जो न जाने कितने लोगों की जिंदगी में रंग भर रहे हैं, क्योंकि सिंध की कला को ये लोग शिखर तक पहुँचा रहे हैं। हालांकि बदलते दौर के साथ जहाँ बहुत सी चीजें बदली है, कुछ लोग इनको पहचानते हैं, कुछ नहीं जानते, तो जो नहीं जानते उनको बता दें कि कशीदाकारी है, पाकिस्तानी ये कला है, जिसे सिंध कला भी कह सकते हैं और पहले इसे भरत भी कहा जाता था। यहाँ की महिलाएं, बच्चियाँ इस काम में जुटी हुई है और देखिए किस तरीके से धागे को पिरो पिरो कर एक बहुत ही खूबसूरत कलाकृति का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ के लोग इसको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और अपनी कई पीढ़ियों से इस काम में जुटे हुए हैं। तो वहीं सबसे पहले जुड़ेंगे यहाँ जो एक बुजुर्ग महिला है जो लगातार इस काम में जुटी हुई है, उन्हीं तक हम पहुँचेंगे, उन्हीं से हम सबसे पहले बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी पीढ़ियाँ उनकी इस काम में लगी हुई है और कितनी पीढ़ियों से वो ये काम कर रही है। माता जी, सबसे पहले तो राम राम आपको। हाँ, राम राम। क्या कर रहे हो, थोड़ा बताओगे विस्तार से? भरत भर रहा हूँ। भरत भर रहे हैं तो कपड़े में किस तरीके से ये सिलाई की जाती है और आपकी कितनी पीढ़ी है इस काम में अब तक? पीढ़ी तो मैं तीन पीढ़ी हुई है, तीन पीढ़ियों से। और देखिए जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारी मुलाकात हुई थी पद्माराम जी से, उन्होंने भी यही कहा था कि पीढ़ियों का काम है, काफी सारी पीढ़ियाँ हमारी इसी काम में लगी हुई है। सात पीढ़िया और वो यही कर रहे हैं। कैसे क्या चाहते हैं, लगभग एक जो नमूना है, कहले की कोई स्टॉल है, दुपट्टा है, उसको तैयार होने में कितना समय लगता है? लगता है महीनों दिन, लगता है 15 दिन लगता है, यानी कि महीने तक का टाइम भी लग जाता है। और अभी आप लोग क्या बना रहे हैं? ये आप पर्दा बना रहे हो, पर्दे बना रहे हैं। तो इसमें ये पहले प्लेन सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ो 15 दिन 20 दिन भरते लागे बा। अच्छा, अभी पहले कपड़े के ऊपर एक कपड़ा जोड़ के लगाया जा रहा है, इसको भी आप ही लोग काटते हैं? हाँ, ये कपड़ा पहले कपड़ा प्लेन बिछाया जाता है। चलिए अभी मैं आप तक भी आती हूँ। और यहाँ पर कुछ और भी आर्टिकल्स है आप देख सकते हैं जो तैयार है और कुछ है जो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। तो चलिए अब पद्माराम जी से जुड़ते हैं, जिनसे सबसे पहले हम जब यहाँ पहुंचे थे मुलाकात हुई थी, जिनसे हमारी बात हुई थी। और पद्माराम जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। पद्माराम जी, वैसे तो कई अवार्ड्स आपके नाम है और साथ ही इस कला को भी आप सहेजे हुए हैं, संरक्षित आप इसको कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो आज के दौर में जानते भी नहीं है कि कशीदाकारी हाथों से कैसे होती है, थोड़ा इन डिजाइन्स के बारे में भी बताइए। ये हमारे जहाँ शुरू से सात पीढ़ी से पहले काम चलता था, मेरी दादी और परदादी और जिस संत से आए हुए थे उनसे, लोगों से शुरू किया। मैंने कक्षा 6 से ये सीखना चालू किया था, जब मैंने 100 प्रकार की अमरूढ़ी सीखी। ये संत की कढ़ाई, संधि कढ़ाई बोलते हैं और बावलिया बोलते हैं इसको, एप्लिक बोलते हैं। और इसमें मतलब ये कढ़ाई से थोड़ा अलग नजर आ रहा है, इसमें शायद कपड़ों के टुकड़े काट काट के चिपकाए गए। ये पेच वर्क इनको बोलते हैं, कपड़े का काट काट करके लगाते हैं, इसको पेच वर्क बोलते हैं। कपड़े के ऊपर डिजाइन है उसको पेच वर्क बोलते हैं और कपड़े से नीचे डिजाइन है उसको एप्लिक बोलता है। ये एप्लिक का मतलब पूरा, ये स्टार नाम का ये कसीदा डिजाइन है, कसीदा है। ये मेढक नाम के डिजाइन का कसीदा है, ये कांथा नाम का डिजाइन का कसीदा है, ये तारा स्टार मतलब इसको जोगी वर्क कहते हैं, कि टुकड़े टुकड़े में बनाते हैं उनको जोगी वर्क कहते हैं। ये पत्ती फूल
इसको एमरुडी को कहते हैं। ये खारक, ये सिंध में खारक होती थी, वो जो खारक सूखती थी उसके बाद उल्टा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता, उसको उसके नाम पे महिला ने रख दिया ये खारक रहती है। ये शायद सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है या सबसे ज्यादा, ये खारक में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ये पूरा भरा जाता है। ये खारक सबसे पुरानी चीज है, खारक और संधि कढ़ाई और हुरमजी और तंत परत और पक्का एमरुडी, ये सबसे शुरू से काम है। और ये अपने पति ये खिलन, जो पेरन कपड़ा टूट जाता था उनको जोड़ने के लिए खिलन, ये सिंगल खिलन काम में आती है, ये डबल खिलन, ये ट्रिपल खिलन, तीन तरीके। बहुत खूबसूरत, एक बार हमारे ये वीडियो जर्नलिस्ट इसको जूम करके भी दिखाएंगे, आप देखिए थोड़ा चेन की साइज का है। और जैसे हम देखते हैं ना कि आजकल के बड़े बड़े ब्रांड्स में थोड़ा टाके लगे हुए डिजाइन आते हैं, तो ये अभी का नहीं है, प्राचीन समय का है, पहले से इस तरीके के डिजाइन, इस तरीके की कशीदाकारी चल रही थी। ये पट्टू में आती है, दो पट्टू तो जोड़ने का काम करते हैं, उसको खिलन बोलते हैं। और महिला का पुराना कपड़ा फट जाता था, उनका जोड़ने का काम करते थे पुराने, अब तो नहीं जोड़ते, अब पुराने टाइम करते। ये रमजी, ये चार पत्ते फूल है, ये कांच वर्क है, कांच वर्क जो कांच लगाते हैं तो कांच वर्क एमरुडी बोलते हैं इसको, कांच वर्क। ये कांथा वर्क एमरुडी, ये कांथा वर्क एमरुडी। ये सूर्य वर्क कहते हैं, सूर्य वर्क कहते हैं। ये तन्ना वर्क पत्ते कहते हैं। चलिए, ये डिजाइन तो बहुत सारी जिनसे मिला करके एक आर्टवर्क तैयार किया जाता है, कुछ आर्टवर्क्स भी यहाँ पर तैयार है। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, इसमें किस किस तरीके की एम्ब्रॉयडरी की जाती है और इस सिर्फ ये पीस को तैयार होने में कितना टाइम लगता है? इसमें तैयार होने से 10 दिन लगता है। ये आरी वर्क अलग महिला करती है, उसके बाद ये कांच, ये पक्का, ये अलग अलग महिला करती है। ये 5 दिन में से एक पीस तैयार होता था। पुराने समय तो हमको इसको कुछ नहीं मिलता, अब तो 500-600 रुपये मिलते थे। पहले कितने रुपए मिलते थे? तो ये मांगीलाल डोसेन, ये बड़े बड़े लोग करते थे, वो तो 20-25 रुपये में काम करते थे। अब मैंने इतना सिखाया, अब पिछले साल मेरे दिल्ली का एक एनजीओ में यही ट्रेनिंग सेंटर औरंगजी का चला था, तो उस महिला को मतलब ज़्यादा सिखाने का काम किया। तो वो लोग यहाँ से सीख कर भी जाते हैं? यहाँ खूब सीख जाते हैं, बाहर से आते हैं और कॉलेज से आते हैं, सब सीख के चले जाते हैं। वहाँ भी PhD मेरे से, कई कई महिला PhD मेरे से करने एमरुडी और पट्टों में करते हैं। इसमें PhD तक होती है इस कला के अंदर। कोई ऐसा नाम जिसका जिक्र आप करना चाहें जिन्होंने आपसे कला सीखी हो? वो स्वाति नाम पर एक बिहार की लड़की है, उसने मैंने PhD पट्टों में किया। और कोई जो यहाँ पे स्थानीय भी हो जिनका नाम आप बताना चाहें? स्थानीय को महिला सब काम करती है, एक सगनी देवी है, पेपी देवी है, ये भी काम इसमें करती है। अपने शायद रूमा जी का भी जिक्र किया था, रूमा जैसे चेतना संस्था हमारे से यहाँ शुरू से आए थे और यहाँ से सीखे गए थे। रूमा जी की आप बात करें कि उन्होंने यहीं से आपसे सीखा? हाँ, यहीं से चेतना संस्था हमारे 10-12 टूर पे आए थे, यहीं से सीखे गए। कितने दिन के लिए वो प्रशिक्षण ले रहे हैं? वो प्रशिक्षण मतलब 1-2 दिन के लिए आते थे और 1-2 दिन के वो सीख के चले जाते। ये हमारा मेघवाल कास्ट का ही अमरूदी चौधरी लोग, हल चलाना, निदान थोड़ा काटना। चलिए, पर फिर भी आज इतने अच्छे मुकाम पर है, खुशी तो होती होगी जी। चलिए, तो यहाँ पर ये कुछ और आर्टवर्क्स आपने बनाए, क्योंकि आपने बताया ये क्या काम आता है या फिर ये डिजाइन? ये डिजाइन नहीं, ये कुशन कवर है, कुशन बनाते हैं, बैग बनाते हैं, और इसमें मतलब बेडशीट बना, सिंगल बेडशीट, डबल बेडशीट बना, एक टुकड़ा जोड़ जोड़ के बनाते। और ये पर्स भी आपने तैयार? ये बैग है, ये मरबल ढोला, पुराना समय की कहावत है मरबल ढोला, ये मरबल ढोला की मतलब कहानी है, उससे हमने ये सैंपल बनाया बैग। और ये बैग है, इसमें ये मेरे दादी के हाथ का है, ये पुरानी पुरानी चीज़ है, ये मुक्का का है, ये दादी का हाथ का पूरा, ये पुरानी पुरानी चीज़ें, ये सब मेरे दादी के हाथ का। यानी कि चमकदार धागे भी आते हैं और उनके साथ ये बैग्स तैयार किए जाते हैं, आपकी दादी के हाथ का है आपके पास, यानी कि दादी के हाथ का बना हुआ बैग पोते के हाथ में, जो आज आपको दिखा रहे हैं। ये मेरे दादी के हाथ और मम्मी के हाथ के बना हुआ। क्या बात, और भी बहुत सारे मास्टरपीस आपने दिखाए थे पहले भी, उन्हीं का एक बार जिक्र करते हैं, क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत कलाकृति है। आप जरा देखिए इस एक पीस में कितने रंग हैं। इसमें 45 प्रकार का मतलब 45 प्रकार के एम्ब्रॉयडरी की, 45 प्रकार की एम्ब्रॉयडरी। इसमें मुझे 2 साल बनाते, मैं 2020 में जिसको चालू किया, अब पूरा नहीं कंप्लीट हुआ, अधूरा है, अभी भी अधूरा है जी सर। अभी इसमें क्या बाकी रह गया, क्योंकि हम तो अगर देखे तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें तो कोई जगह खाली बची ही नहीं है। इसमें कांथा का काम कहीं कहीं करना बाकी है, देखो कांथा का काम, ये कोविड में जो
उस टाइम मैंने बनाया था, एक्चुअली ये मेरा नाम है वो कॉइन, 2020 में मैंने चालू किया, पूरा नहीं बना। चलिए देखिए आप, इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से तारीख भी लिखी हुई है, 20 जुलाई 2020, कोविड तब से इन्होंने शुरू किया, कोविड काल के दौरान इन्होंने इसका काम करना शुरू किया, जो अभी तक भी पूरा नहीं हुआ, अभी तक पूरा नहीं, अधूरा है। अब ये पूरा अधूरा है, पूरा बनना। इसमें 45 प्रकार के अमरूद चाहिए। चलिए मुझे एक बात जरा आप ये बताइए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इसको भरते हैं, भरत भरना कहते हैं, तो इसके अंदर किस तरीके से आप पहले पेन से डिजाइन तैयार करते हैं, उसके बाद इसको रेडी करते हैं? मैंने पेन से नहीं किया, मेरे दिमाग से सीधा किया, कोई पेन या नक्शा ट्रेसर कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट किया। चलिए यहाँ पर कुछ और महिलाएं भी हैं, एक बार उनसे भी जुड़ते हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो जब यहाँ पर इस तरीके से कशीदाकारी करती है घर पर बैठकर, जब अपना पूरा काम निपटाकर इस काम में जुड़ती है, तो कितना समय उन्हें लगता है, कितना आनंद उन्हें आता है और किस तरीके से कशीदाकारी वो करती है, उनकी हर एक मन की बात भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। थोड़ी देर में आ जाओ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आप ही से जुड़ जाते हैं क्योंकि आप भी इस काम में लगी हुई हैं, आपका नाम एक बार बता दीजिए। नाम तो बता दीजिए, रानी जी। तो रानी जी आपको भी पूरा अच्छे से आता है करना? आपको ये जो कला है इसकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? बढ़िया लगे, काम करना अच्छा लगे, काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि कहाँ फोन चलाएं, टीवी देखें, उससे अच्छा ये अपनी पारंपरिक कला को बचाए हुए हैं से जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप ही से किए वादे पर हम यहाँ पहुँचे हैं। आपने कहा था कि कुछ तो आपको खास मिलेगा, एक नई स्टोरी आपको मिलेगी और यहाँ पर अब इस कला के बारे में आप थोड़ा बताइए, कैसे महिलाओं को जोड़ती हैं, कैसे उन्हें सिखाया जाता है, या सब अपने अपने घर पर भी इस तरीके का काम करते हैं? मैं नहीं खाऊँ को हम सल हमारे मोर तो हमारे सेंटर सल तो जमी है ही खे तो मैं आप ही काम करा पूरे महिला ही खुड़े तो कम नंबरी करें पसे भी हाँ घर रो काम करे धंधो भी जो करे भी हाँ जैसे घंटा। चलिए तो ये जो आप आर्टिकल तैयार करते हैं, जो पीस यहाँ पर तैयार करते हैं, वो बेचे कहाँ जाते हैं, कैसे उनको आगे भेजा जाता है? आगे भेजा तो आगे भेजे, आगे जाए, आगे जिद भेजे आए, नहीं तो ये तो ले तो भेजे आए, आगे भेजे आए, हल्ला पैसा दे ये छोट ले जाओ कम पैसा दे। हाँ, और बाकी यहाँ से जो ये आर्टिकल से ज्यादा किन लोगों को पसंद आते हैं? हेंगो ने पसंद है को अमेज करे, नहीं ये तो जो काम करते हैं उनको तो पसंद है ही, पर कौन इस तरीके के सूट पहनता है, और ये जो आप है ना कुशन कवर्स, ये कहाँ कहाँ बिकते हैं? विदेश ले जा बाहर हुआ, बाहर विदेश में जाते हैं। हाँ, तो आपको अच्छा लगता होगा ना जब आपके हाथ की कारीगरी हाँ, विदेश तक डंका बजा रही है। हाँ, अच्छा लगेगा, तो भी हूँ आप नबार्ड में जुड़ी हो तो भी हो तो मारे कम जा सस्ता नबार्ड रद्देश हो तो भर जाओ आगे मारो। आपने देखिए ये तो आपका ससुराल है, यहाँ आके काम सीखा या पहले से आता था? पहले ही क्या था, जरूर ही था, मोर कोई हैंग मोर डाडा भी जाए कौम धंधा करता, पटूड़ा बनाए दुखाणो, वो मारो पापा वो दुखाण बनता, ये पटूड़ा बनाता पट्टू के बारे में। तो पट्टू क्या होता है? पट्टू है बरड़े बीजे ने ओढ़ने के लिए काम आता है, उनका बनते थे पुराने बरड़ी बनोड़ी है नहीं तो मार पापा मना मारे ओणे में दे दहेज में वो दी उड़ी है। चलिए वो भी देखेंगे, इनके दहेज में दी हुई बड़ी वही रखी है। हाँ, वही रखी बड़ी, तो वो तो बहुत दिल के करीब होगी। बढ़िया है नहीं? बढ़िया है। और आपने क्या क्या तैयार किया है इन सब में? मैं तो ऐड तैयार किया, सुनने भी जाए कुर्ता भी जाए मैं बनाया। क्या क्या बनता है चलिए यही बता दीजिए, क्योंकि आपने लहंगा भी बनाया है, कुर्ता भी बनाया, और क्या क्या बनाया है? लहंगा बनाया है, कुर्ता है मैं बनाया, बैग बनाऊ। बैग जो आप बनाती है आप खुद भी इस्तेमाल करती है? बनाऊंगा। चलिए आगे बिल्कुल भेजती भी है और साथ में खुद भी, देखो खुद की कला है तो सबको प्यारी है ही, और आपको अच्छा लगता है जब इस तरीके से इतना खूबसूरत ड्रेस आर्टिकल तैयार होता है। थोड़ा काम करो दे, सोरा तो काम करो लुका रहा सोरा दे स्कूल पढ़े आगे नौकरी लागो रहा घर से लाऊं के तू। हाँ, चलिए आपकी ये उम्मीद है कि आपके बच्चे नौकरी करे आगे? जरूर हो नौकरी ला गए बिल्कुल, पर आपको लगता नहीं कि चलिए नौकरी तो अपनी जगह है, कल को अगर ये काम नहीं करेगा तो कौन करेगा ये काम, फिर आगे कैसे बढ़ेगा अगली पीढ़ियों तक? काम करे बगुआरी करे बेटी बगुआरी है ये पोती है। चलिए इस कला को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी घर की
महिलाओं पर है कि महिलाओं को ये काम जरूर सिखाया जाता है ताकि ये कला लुप्त ना हो, कहीं पीछे ना छूट जाए। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। चलिए, तो ये थी यहाँ की महिलाएं जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से जानकारी भी हमें दी। चूल्हे बार 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 मिट्टी चूल्हे में रोटी बनानी पड़े, लकड़ी में। चलिए, आपने यहाँ पे चूल्हे की बात करी, तो आज भी आप चूल्हे से ही खाना बनाते हैं? हाँ, बनाऊ ना अभी रोटी बनाऊ तो हंगरी राग ना रोटी बनाऊ। हाँ चलिए, पर यहाँ गैस सिलेंडर नहीं आया अभी तक। गैस भी जब कौन बना है बा, गैस मात बने को नहीं, चूल्हे रोटी हकरी। अच्छा, सरकार की तरफ से जो गैस सिलेंडर मिलते हैं या फिर जो भी आपकी योजना है उनमें आपको लाभ तो मिल रहा होगा? ना लाभ तो मिले, कमरा भी जा कहीं को मिले, कहीं नहीं मिले। और सरकार कहीं को दी देने, घर पर ही और मजदूरी करी करी न भरे लाए ठाए आप ही एक ठान ये जो दे सफर उठाए बैठा। चलिए, कोशिश कर रहे हैं इनके मन की बात भी जान ले साथ के साथ। यहाँ पर ये कला जो आप देख रहे हैं, जिनके रंगों से इनकी जिंदगी में ये रंग है, और वाकई में ये बहुत खूबसूरत काम है जिससे ये सभी की जिंदगी में रंग भर रहे हैं। तो ऐसे में घने है नहीं एड़ एड़ लड़के के जो अजीत और दिंदे में थे उठा है घने आते मोरे 10 महिला दिल्ली में आए थे, ईद रहते ईद रात रुकते रोटी बीजी खाते करते बाजरी रोटी यहीं पर आके सीख के जा। हाँ, ये सीखते कितने दिन लग जाते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ बहुत मेहनत का काम है। तो वो तो सीखे सीखे सीखते सीखते वो पढ़े लिखे थे सीखे सीखे मेड़ पढ़ो नहीं तो देखिए आप तो फिर भी इतना सुंदर डिजाइन कर लेते, पढ़ने के बाद भी उनको यही कला सीखनी पड़ रही है। सीखे सीखी दाद न रे देती है फटे कर हीटते पे अच्छा लगता होगा ना। हाँ। कहाँ से लड़कियाँ आ जाती है देखिए सीखने के लिए कला, और आपको ढूंढते हुए आती है। हाँ, तो आए लड़के घने आए सीखना। चलिए, आप घूमने जाऊंगा लड़कियाँ देख उदयपुर घूमे आए हो। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये खूबसूरत जानकारी पहुंचाने के लिए। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कला और संस्कृति किसी से छिपी ना रहे, क्योंकि भले ही हमारे अधिकतर फॉलोअर्स बाड़मेर के हों, पूरे राजस्थान के हों, पर हम चाहते हैं कि कला और संस्कृति हर एक कोने तक पहुँचे। यही वजह कि हमारी कोशिश है कि द खटक के माध्यम से हमारे दर्शकों को यहाँ की कला संस्कृति से समय समय पर रूबरू कराते रहें। तो ऐसी कड़ी में आज हम पहुँचे बाड़मेर के इस छोटे से गाँव। गांव का नाम एक बार आप बता दीजिए सभी को। मारगांव में ना घोनियों, घोनियों में, तो घोनियों में हम यहां पर पहुंचे, और यहां पर हमने कोशिश की कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको कशीदाकारी के इस रंग से रूबरू कराएं, क्योंकि सिंध की ये कला है जिसे यहां की महिलाएं शिखर तक पहुंचाने के काम में जुटी हुई है।